सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल दुबेजी पे। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल पर देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। ये दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर ब्रांडिंग वाटरमार्क के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने चैनल पर ब्रांडिंग वाटरमार्क लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और इससे क्या क्या फायदे होते हैं ये सब मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पता नहीं कि ब्रांडिंग वाटरमार्क क्या होता है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, सो गाइस मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप यूट्यूब पे किसी भी क्रिएटर का अगर वीडियो फुल स्क्रीन में वॉच करते हैं तो आपको नीचे के साइड में जो उस क्रिएटर का यूट्यूब चैनल का लोगो देखने को मिलता हो, या फिर आप मेरे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं फुल स्क्रीन में तो आपको इस साइड नीचे की तरफ कॉर्नर में मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो शो हो रहा है। इसे हम ब्रांडिंग वाटरमार्क कहते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई आपके चैनल पर विजिट करेगा और आपकी वीडियो वॉच करेगा फुल स्क्रीन में तो उसको आपके चैनल का लोगो शो होगा, जिससे आपके चैनल की जो है इंप्रेशन बढ़ेगी। सो गाइस, आप अपने चैनल पर ब्रांडिंग वाटरमार्क के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने चैनल पर ब्रांडिंग वाटरमार्क कैसे लगा सकते हैं, सो गाइस मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप अपने चैनल पर ब्रांडिंग वाटरमार्क लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइस, आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि आप अपने चैनल पर जो कैसे ब्रांडिंग वाटरमार्क लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर, मोबाइल के होम स्क्रीन पर आने के बाद आप किसी भी ब्राउजर में अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लीजिएगा। सो गाइस, चलिए अपना यूट्यूब चैनल जो है ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है ओपन कर लिया। यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ के नीचे के साइड में जो है आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आप देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन, इस सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। सो गाइस, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के पेज आ जाती है। सो गाइस, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चैनल। सो गाइस, आपको चैनल पे क्लिक करनी है। चैनल पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक न्यू पेज जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने जो न्यू पेज ओपन हो गई है। अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो रही होगी ऊपर के साइड में। सो गाइस, आपको यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर में शो हो रही है ब्रांडिंग, आपको इस पर क्लिक करनी है क्योंकि आज आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल पर ब्रांडिंग वाटरमार्क कैसे लगा सकते हैं। सो गाइस, आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, देखिए लोगों का साइज का सेप यहाँ पे शो हो रही है नीचे की तरफ, ठीक ना। ठीक इसी तरह अगर कोई भी बंदा आपके चैनल पर विजिट करेगा और आपके किसी भी वीडियो को वॉच करेगा फुल स्क्रीन में तो उसको आपके चैनल का लोगो शो होगी। जैसे कि आप अगर आप किसी भी वीडियो को देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि बड़े यूट्यूबर है छोटे यूट्यूबर, किसी भी यूट्यूबर के आप वीडियो को देखते हो कि नीचे उनके चैनल का लोगो शो होता है, ठीक उसी तरह आपके चैनल पर भी लोगो शो होगा। आपको जब अपने वीडियो एडिट करते हैं तो आपको अपने चैनल का लोगो नहीं लगाना पड़ेगी, आपके हर एक वीडियो पर यूट्यूब खुद लोगो लगा देगी ऑटोमेटिक। सो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप ब्रांडिंग पर क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपको नीचे यानी नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं चूज इमेज, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा ये आपके गैलरी में चली जाएगी और वहाँ से आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है जो आप यहाँ पे शो कराना चाहते हैं, या फिर आपके चैनल का लोगो हो, सब्सक्राइब लोगो हो, यूट्यूब लोगो हो, कोई सा भी इमेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो गाइस, मैं इस पर क्लिक करके अपने चैनल का लोगो जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने चैनल का जो लोगो ब्रांडिंग लोगो में अपलोड कर दिया है। ब्रांडिंग लोगो में जब आप अपलोड कर दीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ तीनों ऑप्शन पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको आप सबसे ऊपर देखेगा एंड वीडियो, मतलब कि आपके चैनल का लोगो जब तब से होगा जब वीडियो आपकी एंड होने वाली होगी। सेकंड नंबर में कस्टम स्टार्ट टाइम, यानी कि जब आपकी वीडियो स्टार्ट होगी थोड़ी देर चल जाने के बाद जो है आपके चैनल का यहाँ पे लोगो शो होगा। और आपको जो थर्ड नंबर में देखने को मिलता है एंट्री वीडियो, तो आपको जो एंट्री वीडियो पे कर देनी है। जैसे आप एंट्री वीडियो पे कर दीजिएगा ना तो ये आपके चैनल का लोगो जो है पूरी वीडियो में शो होगा। बस आपको इस तरह से चैनल का ब्रांडिंग लोगो अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे तीसरे नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। इसके बाद जो ये ब्रांडिंग लोगो आपका सेव हो जाएगा, उसके बाद कोई भी बंदा अगर आपके चैनल पर विजिट करेगा और आपकी वीडियो वॉच करेगा तो आपको जो आपके चैनल का जो लोगो है उसे नीचे की तरफ शो होगी और आपको किसी भी वीडियो में अपने चैनल का लोगो नहीं लगाना पड़ेगा। यूट्यूब आपके हर एक वीडियो पर खुद ऑटोमेटिक लोगो लगा देगा। सो गाइस, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए ब्रांडिंग वाटरमार्क कैसे लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।